गाइज नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यार गाइज, अभी सुबह के 9 बजे हैं। इस समय मैं अपने गांव बास्ते के पंचायत ऑफिस में आ रखा हूँ। अभी पहुँचा हूँ धर्मगढ़ से यहाँ पे, और यहाँ पे आज मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। देख सकते हैं पीछे कुछ इस टाइप का नज़ारा है। तो यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप बने रहो ब्लॉग में। दोस्तों अभी करीब 10 बजे हुए हैं और मैं अभी गांव के बीच में जो मंदिर है भगवान मूल नारायण देवता का, जहां पे कुछ दिन पहले 7-8 का मेला लगा था, तो वहां पर हूँ। देखिए पीछे मंदिर है और मंदिर के ठीक नीचे एक खेत है। यहां पर गांव के लड़के युवा लोग खेलते हैं वॉलीबॉल वगैरह यहां पे शाम के टाइम में। तो फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे गाँव में युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई भी खेल मैदान नहीं था आज तक, क्योंकि गाँव में ज़मीन भी नहीं है। और आप जानते ही हैं गाँव के जो खेत होते हैं तो एकमुश्त किसी की ज़मीन नहीं होती है। नीचे वाला खेत किसी और का होता है, ऊपर वाला किसी और का होता है। तो उससे युवाओं को खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, खेल मैदान नहीं बन पा रहा था। तो गांव के जो हमारे बागस्थल मंदिर के नीचे के जो खेत हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ये वाला खेत है और एक यहाँ से बगल वाला लंबा सा खेत है। तो यहीं पर गाँव के बच्चे खेला करते हैं, क्योंकि ये खेत मंदिर की वजह से यहाँ पे बंजर छोड़े हुए हैं। एक तो ऊपर से छाया रहती है, खेत में ज़्यादा धूप नहीं आती है तो फसल भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है यहाँ पे। दूसरा, मंदिर के कभी भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के लिए इन खेतों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारे गाँव के 2 लोगों ने अपने अपने खेत को ग्राम पंचायत बास्ती और नवयुवक मंगल दल को जो है दान कर दिया है। अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे जिसमें गाँव के युवा भी आए थे और वो लोग भी आए थे जो खेत को दान कर रहे हैं। तो उनके साथ जो है पूरा जो एग्रीमेंट होता है वो हो गया है, दान नामा हमने लिख लिया है। गांव के युवा लोग भी यहां पर आए हैं और जो खेत दान करने वाले हैं, मैं पहले तो उनका नाम आपको बता देता हूं। एक है हमारे गांव बास्ती के कुट्योड़ा तोक में रहने वाले श्री प्रताप सिंह, जो कि स्वर्गीय श्री नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं और उनके जो दादाजी थे वो भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद से रिटायर थे और उनका नाम था मोहन सिंह। तो अपने दादाजी की स्मृति में प्रताप सिंह जी द्वारा ये खेत जो है दान किया गया है। और इसके बगल वाला जो खेत है दोस्तों, मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, हमारे एक चाचा हैं गांव के, ये पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, मेरे नाम राशि हैं, श्री केदार सिंह इनका नाम है। इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में, श्री स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह जी की स्मृति में अपना खेत दान कर दिया है। और ये भूतपूर्व सैनिक भी हैं, काफ़ी उम्र के हैं, यहाँ पे आए हैं। और इन्होंने बहुत समय पहले कह दिया था कि मैं गाँव के सार्वजनिक कार्य के लिए या खेल मैदान बनाने के लिए, गाँव के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए अपना खेत दान करना चाह रहा हूँ। तो जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो दाननामा बनाया जाता है, वो हमने आज बना लिया है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर युवा लोग आए हुए हैं, अभी सफाई कर रहे हैं खेत की, पूरा बंजर छोड़ रखा है, खेत में कोई फसल नहीं है। तो यहाँ पे जो घास आस हो रखी है इसकी सफाई की जा रही है। तो मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के युवाओं से भी और केदार सिंह जी से भी, हमारे चाचा हैं जो गाँव के, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान भी हैं और भारतीय सेना से रिटायर भी हैं, जिन्होंने अपना खेत आज यहाँ पर दान कर रखा है। तो उनसे मिलाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं श्री केदार सिंह जी, जो कि पूर्व ग्राम प्रधान भी रहे हैं हमारे इस ग्राम बास्ती सनगाड़ के और भारतीय सेना से रिटायर भी हैं। तो चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से भी और अपने ग्राम पंचायत बास्ती के जितने भी ग्रामवासी हैं और जितने भी युवा साथी हैं, तो सबकी तरफ से आपको धन्यवाद। आपने जो आज ही अपना खेत, जो कि फसल योग्य खेत है, बिल्कुल आपने पूरे होशवास के साथ, पूर्ण इच्छा के साथ गांव में दान कर रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं जो मैंने आज खेत को यहां पर दान दिया है। ये मैंने बच्चों, युवा बच्चों के लिए, खेल के लिए दिया है और मंदिर के लिए कोई सार्वजनिक काम होगा तो उसके लिए भी मैंने ये दान दिया है। क्योंकि मैं भी फौज के अंदर जब था, मैं खेल कूद के लिए बहुत इच्छुक था, इस वास्ते मैंने इस खेत को युवक मंगल दल बास्ती के बच्चों को मैंने दान में दिया हुआ है। इसमें कोई रोक ठोक नहीं है, मैं अपने होश हवासे से इस खेत को दान में दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, अन्य लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे जो पहाड़ में छोटे छोटे
चीज़ों के लिए वाद विवाद करते हैं। कहीं पर खेत का एक छोटा सा 1 फीट 2 फीट का टुकड़ा होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा मारपीट, यहाँ तक कि देवी देवताओं को घात मारने तक की नौबत हमारे बुजुर्गों के समय से चली आ रही है। लोग जो है बहुत ज़्यादा गंभीरता से उस विषय को लेते हैं। आपने इतना बड़ा खेत, अगर जिसकी मैं कीमत की बात करूँ तो लाखों में इस खेत की कीमत है, तो आपने ये दान दिया, तो लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आदमी ने इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। जो आज तक है कि अपना सहयोग पूरा गांव के बच्चों को और गांव वालों को सहयोग देने की देना चाहिए, बिल्कुल, जिसकी वजह से कि गांव का विकास हो। हाँ। गांव के बच्चे हमारे आगे बढ़ें, खेल कूद कर सकें, बिल्कुल, और अच्छे कार्य कर सकें, इसी वास्ते हमने इस खेत को दान में दिया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, केदार सिंह जी ने बताया कि उन्होंने अपने खेत जो है दान कर दी है, तो बहुत बड़ा खेत है। देखो पीछे जहाँ पर ये लड़के लोग सफाई कर रहे हैं, यहाँ से इधर को लास्ट कोने तक इनका खेत है, और वहाँ से उधर को जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था, वहाँ पे प्रताप सिंह जी का खेत है। तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी कुछ समय बाद इस खेत के चारों तरफ हम लोग जो हैं तारबाड़ करने वाले हैं, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, जल्दी से जल्दी चारों तरफ तारबाड़ हो जाए काफ़ी हाइट तक, जिससे गांव के जो युवा यहाँ पे वॉलीबॉल खेलेंगे या इसके अंदर फुटबॉल भी खेल सकते हैं या क्रिकेट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य खेलकूद गतिविधि यहाँ पर कर सकते हैं। तो उससे तारबाड़ करने से क्या होगा, जैसे वॉलीबॉल खेलेंगे तो बॉल जो है किसी दूसरे के खेत में नहीं जाएगा, जाली से अंदर ही रह जाएगा, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और बाकी गांव के युवक मंगल दल के अध्यक्ष भी यहां पर हैं, हेमंत सिंह, और साथ में अन्य युवा लोग हैं। तो अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट काम रह गया है वो ये है कि जो इस खेत में जो ये घास जमी हुई है पूरा, इस घास को ये लोग क्लियर करेंगे, इसमें भी कई दिन लगने वाले हैं। उसके बाद फिर आगे को जो भी कार्यक्रम तय होगा वो हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे मैं आपको इस बारे में अवगत कराते रहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। बाकी मैं आपको अपने युवक मंगल दल से भी मिलाता हूँ, देखते हैं ये लोग क्या अपनी राय देते हैं इस बारे में, जो आज गांव के लोगों ने इनको खेलकूद के लिए अपनी ज़मीन दान कर रखी है। तो आप देखें, तो देखिए ये कर रहे हैं यहाँ पे अभी साफ सफाई, जिसमें हेमंत है, हिमांशु है, योगेश है, दीपक है, और अजय है, और एक कमल है वहाँ पे उपाध्यक्ष, और एक अजय और है। तो ये सारे लोग फिलहाल यहाँ पे जो घास हो रखी है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो ये जो अजय है ये प्रताप सिंह जी का लड़का है, इन्हीं के पिताजी ने अपने दादाजी के स्मृति में, मतलब अजय के जो परदादा हैं स्वर्गीय श्री मोहन सिंह, उनकी स्मृति में ये खेत दान कर रखा है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मेरे पिताजी ने खेत हमें, मतलब हमारे पूरे गांव के युवाओं को दान किया। इसमें हम काफ़ी सारे गेम्स खेलेंगे। हाँ। और काफ़ी अच्छी हमारी हेल्थ भी रहेगी उससे। बिल्कुल। और चलो, जैसे कि अजय ने बताया कि इनके पिताजी ने जो ये खेत दान कर रखा है, तो इनको भी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं यहाँ को लेके जाता हूँ, और ये हैं अध्यक्ष हेमंत सिंह जी। तो अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे केदार सिंह जी और प्रताप सिंह जी ने, जो आप लोगों के खेलने के लिए, गांव के सार्वजनिक कार्यों के लिए ये दान कर रखा है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले मैं केदार सिंह जी का और प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, आपने गाँव के युवाओं के लिए अपनी भूमि दान की है, यहाँ के युवाओं के लिए जो भी आपने मतलब भूमि दान की, उसका प्रयोग हम खेल के मैदान के रूप में करेंगे। बिल्कुल। युवाओं की बहुत पहले से मांग थी कि एक फील्ड का निर्माण हो, जिसके लिए हमें उचित जमीन की मतलब जरूरत थी, जो पहले हमारे पास नहीं था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भूमि मिल गई है तो हम अभी साफ सफाई कर रहे हैं इसको अपने व्यक्तिगत तौर पे, और सभी से आशा है कि मतलब इसमें गांव वालों का सहयोग रहे सभी का। बिल्कुल। और विभाग से भी आशा करते हैं कि इसमें हमारी मदद करे। इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी खुश हैं सभी लोग, सभी युवा लोग। और ये देखो कमल भाई उपाध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। आज केदार सिंह जी और प्रताप सिंह जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना खेत जो दान दिया है खेल कूद करने के लिए, तो इसमें मंदिर के काम कार्य भी, जो कथा भागवत होते हैं, बड़े बड़े ये गेम होते हैं, उनमें भी ये फील्ड काम आएगा। और सभी युवा बहुत खुश हैं। काफी पहले से मुहिम चली हुई थी कि हमारे पास फील्ड नहीं है। हम शासन प्रशासन को क्या बोलते हैं, बोलते थे कि हमारे लिए फील्ड बना दो कहीं, तो कोई भी युवा मतलब कहीं भी खेलते थे, तो जिसका खेत था वो थोड़ा
वो तो डिस्टर्ब होते थे, तो इस कारण से आज उन्होंने खेत दान दे दिया है और आज हमारे लिए खेलने के लिए फील्ड बनेगा धीरे धीरे। बिल्कुल, बस यही कहना चाहूँगा, उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सभी लोग हैं, और बाकी और बोलना चाहोगे युवा साथियों तो हिमांशु क्या कहना चाहेगा? ये अभी नहीं कहेगा। दीपक क्या कहना चाहेगा? कहना पड़ेगा ना। तो ये देखो, ये कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है, इनका फोकस अभी काम करने में है और इनको ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये ग्राउंड साफ हो, इसमें जो घास जमी हुई है वो साफ हो और उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें खेल सकें। तो ये बाद में बोलेंगे, जब बोलेंगे अगले ब्लॉग में हम लोग इनको दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, केदार सिंह जी काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं जो अभी भी देखो यहाँ पर हैं, और इनको बहुत ज़्यादा बुखार था। सुबह जब मैंने गांव के लड़कों को इनके घर में भेजा, क्योंकि इनके घर में नेटवर्क की कमी है, फ़ोन नहीं लगता है, तो इनको बुखार था, और बुखार होने के बावजूद भी इतनी अधिक उम्र में भी ये यहाँ पे आए हैं मेरे साथ ऑफिस में। करीब एक घंटे तक ये बैठे रहे वहाँ पे, जो भी दाननामा बनाना था वो बनाया, फिर अभी देखो यहाँ पर हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब गांव में ऐसे बुज़ुर्गों का, ऐसे युवाओं का, गांव के सज्जनों का सहयोग रहता है, और सामाजिक कार्यों के लिए जो लोग आगे आते हैं दोस्तों, निश्चित तौर पर हमें भी गर्व होता है, अच्छा लगता है। बाकी आप समझ ही सकते हैं गांव के युवाओं के लिए एक खेल मैदान कितना महत्वपूर्ण होता है। जब खेल मैदान होगा, गाँव के युवाओं की फिटनेस रहेगी, फिजिकली वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पर कर सकते हैं, खेलकूद के अलावा अपने आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए वो वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इन युवाओं का सपना जो है धीरे धीरे यहाँ पर साकार हो रहा है, और मेरी भी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसमें चारों तरफ से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मद इसमें खर्च करके तारवाड़ किया जाए, ताकि इसके अंदर जो भी ये लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो उसमें इनको जो है कुछ राहत मिल सके, ताकि इनका जो बॉल वगैरह है वो बाहर ना जा सके, और जो अगल बगल के जैसे ये नीचे के खेत हैं, अगर इसमें बॉल चली जाएगी तो उनको भी परेशानी होगी, उनका भी जो खेत में फसल होगा वो नुकसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पर तारवाड़ करना भी बहुत ज़रूरी है, जो बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। ये देखिए, तो यार दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, जो गांव के लोगों ने अपनी ज़मीन गांव के युवाओं के लिए, गांव के सार्वजनिक कार्यों के लिए, खेलकूद कार्यक्रमों के लिए यहां पे दान कर रखी है, उसी के बारे में मुझे ब्लॉग बनाना था, आप लोगों को भी बताना था, तो ये पूरा हो गया है। और फिलहाल मैं थोड़ी देर यहाँ पे हूँ, अभी थोड़ा मुझे गांव के लोगों का कुछ काम करना है, जॉब कार्ड वगैरह में थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह लगाने हैं, और भी कुछ काम है, तो मैं अपने ऑफिस में ही बैठा हूँ, शाम तक यहीं पर रहूँगा, 4-5 बजे के आसपास मैं यहाँ से जाऊँगा वापस धर्मगढ़। तो मौसम भी अच्छा है आज, देख सकते हैं आप, पूरा धूप लगी हुई है। तो फिलहाल आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे ब्लॉग्स ऐसे देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।